हेलो एंड वेलकम दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द शी शकिंग में। मैं आपका दोस्त पंकज। सो जैसा कि थंबनेल देख के आप लोग समझ गए होंगे, आज तुम्हारा भाई हाजिर है एक ऐसे ट्रेंडिंग टॉपिक के ऊपर जिसके बारे में आप में से 90% लोग जानना चाहते हैं। सो तुम्हारा भाई आज एक बार फिर से हाजिर है एक ऐसे एक्सपर्ट के साथ जो कि दिल्ली में बहुत फेमस है और फ्रूट हुक्के के एक्सपर्ट हैं। बहुत बेहतरीन और बहुत ही अच्छे अच्छे यूनिक हुक्के उन्होंने बनाए हैं। पर्सनली मैंने बहुत अच्छे तरीके से उनको देखा है और मैं बहुत अच्छी तरीके से उनको जानता भी हूँ, और मैं उनको एक बार बुलाना चाहूंगा, कैमरे के आगे आए वो। ये है स्पार्क जी। सर, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि ये फ्रूट कार्विंग होता क्या है, क्योंकि मैं जानता हूँ बहुत सारे लोग हैं जो जानना चाहते हैं और उनके लिए नई चीज है ये फ्रूट कार्विंग क्या होता है, तो प्लीज एक बार इसको एक्सप्लेन करें। कार्विंग आपने देखा होगा, कार्विंग जैसे फ्रूट पे डिजाइन बनाना, फेस बनाना, लुक बनाना, फूल पत्ती वगैरह बनाना, तो उसमें अलग अलग डिजाइन आ जाती है। आपने हुक्का तो पिया होगा, फ्रूट हुक्का भी पिया होगा, फ्रूट हुक्के में अलग अलग डिजाइन बना के पिए होंगे। जी, हाँ, हाँ। पर मेरी थिंकिंग कुछ अलग थी, सोच अलग थी, तो मैंने उसमें थोड़ा अलग डिजाइन डाला, अलग क्रिएटिविटी डाली। फ्रूट हुक्के की जगह मैंने फ्रूट कार्विंग हुक्का बना दिया। अच्छा, आपका ध्यान जो था, आपका जो सीखने की इच्छा थी वो वहाँ थी। वहाँ थी। तो आपको ये कितने साल प्रैक्टिस करनी पड़ी और आप कितने साल से ये काम कर रहे हैं? मेरे को इस फील्ड में ऑलमोस्ट 5 से 6 साल हो गए। वेरी गुड। और फ्रूट कार्विंग का जो आइडिया था मेरे को, वो आया था मेरे को अभी 2-3 साल पहले। अच्छा, स्पार्क जी, अगर मैं आपसे बोलूं, मेरा एक्चुअली बेटा है 5-5.5 साल का, वो स्पाइडरमैन का बहुत बड़ा फैन है, तो अगर मैं आपको बोलूं कि आप स्पाइडरमैन बना दें एक फ्रूट के अंदर, तो बना सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। सीरियसली, मतलब मजाक तो नहीं कर रहे ना? ऑफ कोर्स। अगर आप फ्रूट वाटरमेलन ला के दोगे, स्पाइडरमैन का फेस, डिट्टो फेस बना के उसमें हुक्का बना के दे दूंगा। क्या बात है यार, मतलब आप इमेजिन करिए सर, आप कुछ भी बनवा सकते हैं। और ये स्पाइडरमैन नहीं, वेनम हो गया, आयरन मैन हो गया, जितने भी आपको फेवरेट सुपर हीरो हो गए, या फिर कोई भी आपका फोटो हो गया, पोर्ट्रेट वगैरह, अगर आपको फोटो लगवाना हुक्के में वाटरमेलन में बना के और उसको पीना है, तो वो भी हो सकता है। और डिजाइन लेने, डिजाइन सीरियसली यार, ये भी एक टैलेंट है ना। हम लोग ये सोचते हैं कि एक चिलम के अंदर फ्लेवर डाला और उसके अंदर कोल डाली और हम एक्सपर्ट बन गए और हमें हुक्का पीना आ गया, लेकिन सर इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं डिस्कवर करने के लिए। और स्पार्क जी अब हमें मिले हैं, हमें सिखाएंगे। सर फिलहाल मैं आपको स्पाइडरमैन के लिए नहीं बोलूंगा, मेरी एक आपसे दिली रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरा लोगो बना दे TS के द शीशा किंग का, ये जो लोगो है, क्या ये बना सकते हैं? ऑफ कोर्स बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता है। थैंक यू सो मच सर। तो सर अब ज्यादा बातें नहीं करेंगे, है ना, क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। आप जितनी मर्जी तारीफ कर लें, लेकिन हर एक इंसान का काम बोलता है, और मुझे आप, मैंने आपका काम देखा है, मुझे पता है आप क्या बनाएंगे और एक वो जबरदस्ती बनेगा। तो चलिए स्पार्क जी, मैं आपको हैंड ओवर देके जाता हूँ, और अब आप देखिए लोगों को कैसे सिखाएंगे, और इजी वे में सिखाइए और डिटेल में समझाइएगा लोगों को, ताकि लोगों को समझ आए। अरे स्पार्क जी, ये क्या है, ये किस तरीके का टैटू, एक बार मुझे बताएंगे? ये ब्रो, ये मंडेला आर्ट है। मंडेला आर्ट मतलब? मंडेला एक ऐसे आर्ट है जो आपके माइंड में चलता रहता है, क्रिएटिविटी। एक पेपर पे उतारो, जो भी डिजाइन बननी है, आड़ी टेढ़ी उल्टी सीधी, उसे एक कला में उतार दो, जो भी आपके माइंड में, पेन लो, पेपर लो और चलाते रहो। अच्छा, ये ठीक है। हाँ, जो आपके माइंड में चलेगा वो पेपर पे उतर जाएगा। वेरी गुड। तो एक ऐसी तरीके का जो मेरा थिंकिंग है कार्विंग की। सर ये कार्विंग से ही पता चलता है कि आप एक डिटेल में, आप डीप थॉट है आपका और गहराई में जाके सोचते हैं आप। सर मुझे बहुत अच्छा लगा, और मेरा फ्यूचर में कभी टैटू बनाने का मन किया तो मैं इस तरीके का जरूर बनाऊंगा। मैंने एक छोटा सा बना रखा है यहाँ पे, इल्यूमिनाटी का है ये, लेकिन ये मुझे उससे अच्छा लग रहा है और मैं कोशिश करूंगा फ्यूचर में बनवाने की। चलिए सर मैं चलता हूँ, और आप देखिए, है ना। ओके सर। तो चलिए दोस्तों, कार्विंग स्टार्ट करते हैं। कार्विंग स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। देखिए, एक आर्ट होती है जो हम नॉर्मल घर पे भी हुक्का जो पीते हैं, चिलम में सिल्वर फॉइल लगा के, क्लाउड लगा के, अगर हम कैफे जाते तो उधर भी यही मिलता है,
और जो दूसरी आर्ट होती है हमारा फ्रूट उक्का। फ्रूट उक्के में आप कुछ भी कर सकते हो, किसी भी फ्रूट को लेके, जैसे पाइनएप्पल, वाटरमेलन, माल्टा, किसी भी टाइप का फ्रूट लेके आप उसमें फ्रूट उक्का बना सकते हो। और फिर एंड में आती है तीसरी आर्ट, कार्विंग। कार्विंग एक ऐसी आर्ट है जो हम फ्रूट पे कुछ भी उतार सकते हैं, जैसे आप पेज पे एक फ़ोटो बना देते हो, कुछ भी राइटिंग में कुछ भी डिज़ाइन बना देते हो, तो वही कोशिश करते हैं हम फ्रूट पे उतारने की। तो जैसे कि हमें लोगो उतारना हो, या किसी का नाम लिखना हो, या फिर किसी का फेस बनाना हो, या फिर एनी टाइप कुछ भी हो सकता है जो हम फ्रूट पे उतारने की कोशिश करेंगे। तो आज मेरे पास रिक्वेस्ट आई है पंकज सीनियर की तरफ से, अपने कंपनी का लोगो जो द शीशा किंग के नाम से है। शीशा किंग जो भाई ने मेरे को आज दिया है वो ये है, ये साइज़ है। तो ये कोशिश करूँगा मैं इसी साइज़ का इस वाटरमेलन पे उतारने का। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम फ्रूट कार्विंग करना। तो कार्विंग करने के लिए हमें बेसिक टूल की ज़रूरत होती है, जैसे कि मेरे पास है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मार्कर जिससे कि हम ड्रॉ कर सकें इसके ऊपर, और कुछ नाइफ छोटे बड़े साइज़ के, ये जिससे कि कार्विंग करने में आसानी हो, जैसे पेन चलाते हैं उसी टाइप का हम इस नाइफ को चला सकें। और जो तीसरी चीज़ आती है ये होती है कार्विंग नाइफ सेट होता है, टूल होती है, ये आपको कहीं भी मिल जाएगा, स्टोर पे या फिर अमेज़ॉन से ऑर्डर करके भी मंगा सकते हो। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं कार्विंग फ्रूट उक्का बनाना। तो चलिए जो हम पहला स्टेप उठाएंगे वो है हमारा ड्रॉ करना, यानी स्केच बनाना वाटरमेलन पे। तो मेरे पास ये है लोगो द शीशा किंग, तो इसको मैं वाटरमेलन पे ड्रॉ करूँगा। ड्रॉ करने के बाद उसके बाद ऊपर कार्विंग करूँगा कटिंग। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं इस पर ड्रॉ। तो हमारा ड्रॉ का काम, जो स्केच का काम था लोगों को इस पर उतारना, वो हमारा ख़त्म हो गया है। तो हमारा जो दूसरा स्टेप होता है वो होता है हमारा कटिंग करना। तो हम कटिंग करते हैं इसका, स्टार्ट करते हैं कटिंग से।
तो अपना कार्विंग का काम खत्म हो चुका है, कुछ इस तरह का कार्विंग हुई है जिस पे मैंने अलग से अटैच करा अपना नाम स्पार्क, और ये अपना द शीशा किंग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अब बारी है इसको इसमें चिलम में कन्वर्ट करने का, तो देखते हैं चिलम कैसा बनाते हैं। सबसे पहले क्लाउड लें जो आपके पास कहीं भी मार्केट में मिल जाएगा, उसका पहले उल्टे करके एक शेप बना लें जैसे आपको ऊपर रखना है। इस तरीके से इसका क्लाउड का शेप बना ले एक। जैसा कि आपने देखा हमने चिलम बनाने का भी काम पूरा कर लिया है। इसमें होल करके क्लाउड का नाप लेके होल कर दिया है, होल करके एक छेद करके उसमें टूथपिक लगानी है जो फ्लेवर उस छेद में ना जाए जिस छेद से उक्का स्मोक करें, तो उसी हिसाब से इसको लगाना है जितना उसमें स्पेस बचा हुआ है। देखिए कुछ इस तरीके से हमने इसमें टूथपिक लगा दिए जिससे कि फ्लेवर नीचे ना गिरे। तो अब इसको सेट करते हैं ओके में। ये हमारा तैयार है फ्रूट कार्विंग हुक्का। जैसे कि आपने देखा है कार्विंग इस पर की गई है, इधर चिलम बनाई गई है, इधर अलग से थोड़ा सा डिफरेंट बनाने के लिए ऑक्टोपस लगा दिया है थोड़ा सजाने के लिए। तो चेक करते हैं इसका स्मोक और फ्लेवर कैसा बनता है। तो चलिए दोस्तों मेरा काम फिनिश्ड हो चुका है, तो अब उनको बुलाते हैं जिनने मेरे को ये काम की जिम्मेदारी दी थी, देख उन्हें कैसा लगता है उनके अपनी कंपनी का लोगो। तो आइए पंकज भाई चेक कीजिए अपनी कंपनी का फ्रूट कार्विंग का। थैंक यू सो मच पार्थ भाई। और हाँ। मैं सामने से देख रहा था इसको। हाँ जी इतना हूबहू बना है ये लोगो। और एक बार बैक करके दिखाओगे अपना? हाँ, बैक साइड। तो आप मेरे बैक साइड पे आपने देखा होगा लोगो किस तरीके से बनाए, और ये सामने आपके लोगो बना हुआ है। सर सीरियसली मजा आ गया, और यकीन मानिए ऐसा नहीं कि आप मेरे सामने हैं तो मैं आपकी तारीफ कर रहा हूँ। शायद मैं किसी डिजाइनर से बनवाता तो भी इतना अच्छा नहीं बना पाता जितना आपने बना दिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। चलिए अब ऐसे एक बार स्मोक चेक कर लेते हैं। अमूमन होता यह है कि फ्रूट जो चिलम होती है या फ्रूट शीशा होता है हुक्का जो होता है उनमें बहुत सारे लोगों का मिथ है कि स्मोक डेंस नहीं आता है या टाइट खींचता है ना, या फ्लेवर नहीं आता। हाँ, या फ्लेवर नहीं आता, फ्रूट का ही सारा फ्लेवर आता है। तो अभी आप मुझे बताएंगे आपने फ्लेवर कौन सा रेडी किया है। तो अभी मैंने जो इसमें फ्लेवर डाला है वो दो तीन फ्लेवर डाले हैं मिक्सिंग करके। एक तो गुलकंद हो गया। हाँ जी, एक दुबई स्पेशल हो गया, एक आपका हल्का टचिंग में पान डाल दिया। वेरी गुड। चेक करो सर, स्मोक चेक कीजिए कैसा बना है।
सीरियसली मजा आ गया। और स्पार्क भाई मैं एक दिल से एक बात कहूंगा, तू भी ऑनेस्ट, मुझे है ना वाटरमेलन की, अगर मैं फ्रूट शीशा भी चिलम पीता हूँ तो भी मुझे खांसी हो जाती है। इनफैक्ट वाटरमेलन फ्लेवर सूंघ भी लेता हूँ तो भी मुझे खांसी हो जाती है। ये फर्स्ट टाइम है मैंने इतनी चिलमे पी है, ये फर्स्ट टाइम है मुझे अब तक खांसी नहीं हुई। और बहुत ही लाइट है, बहुत ज्यादा खींचना नहीं पड़ रहा है, बहुत ज्यादा ताकत नहीं लगानी पड़ रही है, मजा आ गया सर। थैंक यू। जैसा कि आप ये कार्विंग देख रहे हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से लोगो बनाया था शीशा केक का। एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि एक फॉन्ट बनाना थोड़ा सा इजी होगा, एस के एस एच आई एस एच ये बनाना इजी होगा, लेकिन उन्होंने जो डिजाइन का बनाया है एज इट इज जो मेरे लोगो में है, सर दिल जीत लिया आपने। थैंक यू सो मच स्पार्क भाई। थैंक यू सर। यहाँ पे स्पार्क भाई का एक लोगो समझ लीजिए या नाम समझ लीजिए, स्टाइलिश है वो भी, मजा आ रहा है सर सीरियसली। मजा आ गया सीरियसली, ये आप ट्राई करिए। मैं अपनी YouTube फैमिली को कहना चाहूँगा कि अगर आप इस तरीके से कार्विंग सीखना चाहते हैं तो आप ये वीडियो देख के, आपकी बहुत हेल्प होने वाली है, बहुत कुछ सीखेंगे ये वीडियो देख के। और इक्विपमेंट भी बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किए गए हैं, और ज़्यादा आप टिप्स चाहते हैं इसको लेके, और अगर आप चाहते हैं कि इस टाइप की वीडियो और बने तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि स्पार्क भाई का काम कैसा लगा आपको। और अगर और वीडियो चाहिए तो फिर हम दोबारा रिक्वेस्ट करेंगे इनसे कि हमारी वीडियो में ज्वाइन करें। और अगर छोटी मोटी टिप चाहते हैं या कोई सजेशन चाहते हैं तो आप इनके इंस्टाग्राम पे इनको फॉलो कर सकते हैं। इनकी इंस्टाग्राम आईडी है स्पार्क जोन, जाइए इंस्टाग्राम पे इनको फॉलो करिए। और कोई भी कैसी भी प्रॉब्लम आती है कार्विंग करते समय आप इनको डीएम कर सकते हैं, ये आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे। और फिलहाल के लिए सर मजा आ गया सीरियसली, मैंने इस तरीके की वाटरमेलन स्पेशली आज तक नहीं पिया, टू बी ऑनेस्ट मैं झूठ नहीं बोलूँगा। फिलहाल अभी वीडियो को एंड करते हैं, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और गुड बाय हमारे स्पार्क भाई करेंगे, क्योंकि स्टार्ट भी इन्हीं से हुआ था और एंड भी यही करेंगे। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन या फिर कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे आके मेरे को मैसेज कर सकते हैं या फिर कुछ भी बात कर सकते हैं, किसी भी तरीके के प्रॉब्लम हो तो मेरे से बात कर सकते हैं। आज के लिए इजाज़त दें। थैंक यू सो मच। गुड।